पेट के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोगों ने स्टोरेज के हिसाब से यूज़ करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रीमियम सैलून बनने वाला है वो। ये जो पार्टीशन वॉल है वो थोड़ा आगे तक था, लेकिन अब ये पूरा ओपन हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम सुमना है और मैं स्टूडियो कंटूर का फाउंडर हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले ऐसा एक प्रोजेक्ट जो एक सैलून प्रोजेक्ट है जो बहुत ही अच्छा लोकेशन में है। 65 बिग आईटी स्पेस है जो कोलकाता में है, तो उससे 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एक साउथ फेसिंग प्लॉट है, तो ये हो गया है इसका एंट्रेंस। रफली ये है 500 स्क्वायर फीट का एक सैलून है जिसको हम डेकोरेट करने वाले हैं, जिसका हम डिज़ाइन करने वाले हैं, वो भी पूरा वास्तु के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों का जो क्लाइंट है जिसको पूरा हर एक चीज़, वो कलर होगा, वो उसका डायरेक्शन होगा, सब कुछ वास्तु के हिसाब से चाहिए होगा। तो ये हो गया हम लोगों का सैलून का एंट्रेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोगों का एंट्रेंस जहाँ पे एक पूरा ग्लास का डोर बनेगा। यहाँ पे हम लोगों का डोर बनेगा जो थोड़ा इधर 2 फिट तक फिक्स रहेगा। बाकी जो इस पोर्शन है, इस पोर्शन भी फिक्स रहेगा। मिडिल नहीं, थोड़ा साइड करके एक डोर बनेगा जो पूरा ग्लास डोर होगा। ग्लास डोर में फ्रेम लगेगा जो बाहर से भी थोड़ा सा दिख जाए और अंदर से भी थोड़ा सा दिख जाए, जो तो जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट होगा। तो अब हम इस साइड से इंटर करेंगे। यहाँ पे जो ग्लास डोर ओपन होगा, ये हो गया हम लोगों का वेटिंग एरिया जिसका डिज़ाइन हम लोग एक कर्वेचर शेप में बनाया है जो इस थीम के साथ मैच कर रहा है। ये पोर्शन कर्वेचर है, थोड़ा सा इस पार्ट में कर्वेचर है, और थोड़ा आप आगे जाके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें भी कर्वेचर ऐड होगा। तो ये होगा, ये बहुत ही न्यू टोन में एक बहुत ही सूदिंग कलर है जो पेस्टल कलर में बनेगा। यहाँ पे एक आर्च क्रिएट होगा, इसके ऊपर एक अच्छा सा फ्लावर दे करके हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं। यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का सिटिंग एरिया। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में जो रहेगा वो है हम लोगों का रिसेप्शन एरिया जहाँ पे एक डेस्क बन रहा है। ये देख सकते हैं, ये बना भी हुआ है साइट में अभी। ये जो सेल्फ आप देख पा रहे हैं, ये हो गया हम लोगों का डिस्प्ले एरिया जहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ों का डिस्प्ले यूनिट बनेगा। वहाँ पे बनेगा हम लोगों का एक अंडर काउंटर। ये टेबल के नीचे एक स्विच बोर्ड रहेगा जो हिडन रहेगा, ऊपर रहेगा जो चार्जिंग वगैरह ये सब कुछ के लिए काम आएगा। तो ये आ गया हम लोगों का मसाज रूम जिसको हमने ऐसे डिज़ाइन किया कि यहाँ पे हम लोगों ने स्लाइडिंग डोर का यूज़ किया, जैसे इस स्पेस थोड़ा अच्छे से मैनेज हो पाए। नहीं तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से डोर करते तो ये डोर आके हम लोगों का बेड में हिट हो जाता। यहाँ पे 2 बेड बैठेगा। ये वॉल आप देख पा रहे हैं कि ये वॉल में बहुत अच्छे से ये जो प्लाई हमने चूज़ किया है, हम लोगों ने ये प्लाई ऑलरेडी पेस्टिंग हो गया है इस वॉल में। ऊपर भी आप देख पा रहे हैं कि फॉल सीलिंग का ऑलरेडी फ्रेम बना हुआ है, जो ये फ्लोर का हाइट इतना कम है कि हम लोग फॉल सीलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं डिज़ाइन कर पाए, इसीलिए हम लोग मैक्सिमम 6 इंच तक फॉल सीलिंग को डाउन किया है। ये जो वॉल है ये ब्रिक का बना हुआ है, लेकिन ये वाला जो पार्टीशन वॉल है ये प्लाई से बनाया है। तो ये दोनों वॉल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है हम लोगों का। बाकी जो 2 वॉल है इसमें एक बहुत अच्छे से एक फेदर वर्क होगा, फेदर वर्क का एक टेक्सचर बैठेगा इस वॉल में। ये जो वॉल है इसको हम बहुत न्यूट कलर में करेंगे तो इस वॉल के साथ मैच हो जाए। यहाँ पे एक नियॉन कलर में हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन करने वाला है जो आगे जाके हम लोगों को हम दिखाएंगे। यहाँ पे 2 बेड बैठेगा, एक देख पा रहे हैं ये एक बेड है और नीचे एक बेड है। तो ये बेड को हम लोगों ने ये जो सैलून का जो स्टोरेज है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो ये बेड के अंदर वाला, बेड के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोगों ने स्टोरेज के हिसाब से यूज़ करेंगे। इसको ये बेड में शटर लगने वाला है, जो शटर मतलब जैसे उनको अगर कोई चीज़ वहाँ से निकालना है तो बहुत अच्छे से निकल पाए। और यहाँ पे एक रॉड कर्टिन लग जाएगा जो कर्टिन में 2 बेड डिवाइड हो जाएगा, तो उसका प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का मसाज रूम। हम लोग जिस एरिया के बारे में बात करेंगे वो सैलून का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, जहाँ पे ये हो गया हम लोगों का कटिंग सेक्शन। ये कटिंग सेक्शन में हम देख पा रहे हैं कि 3 मिरर लगेगा। यहाँ पे एक मिरर लगेगा, यहाँ पे एक मिरर, यहाँ पे, तो मतलब 3 चेयर्स हो गया। तो यहाँ ये इसको हमने डिज़ाइन किया है बहुत अच्छे से, जहाँ पे इसका पैनलिंग हमने लूवर्ड में किया है, फिर उसके ऊपर ग्लास दे करके कि बाहर मतलब उसका साइड में गोल्डन, हम लोग रोज़ कलर का एक
एजिंग कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छा दिखेगा बाद में। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे एक लाइट कलर का लोवर यूज़ करें, और वहाँ पे जो लोवर यूज़ हो रहा है हम लोगों का रिसेप्शन में वो था डार्क कलर का। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्लाइंट के साथ बैठ के भी कि हम लोग थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं, तो इसको हम लोगों ने बना दिया थोड़ा सा डार्क कलर उसके हिसाब से, जैसे हम लोगों ने रिसेप्शन में भी बनाया तो ऐसा एक डार्क कलर यहाँ में सेट किया लोवर के लिए, क्योंकि पहले ये विजिबल नहीं था दोनों, क्योंकि वो ये जो पार्टीशन वॉल है वो थोड़ा आगे तक था, लेकिन अब ये पूरा ओपन हो गया है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका कलर को हमने दोनों कलर को सेम कर दिया, बेस कलर को सेम रख के। अब देख पा रहे हैं कि बेस कलर बहुत क्रीम टोन में है जो बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पे एक लाइट बैठेगा जो ये इस एरिया में बैठेगा थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए इस एरिया का। और ये हम लोगों ने एक ड्रॉयर बनाया, जैसे सैलून में जो स्ट्रेटनर यूज़ होगा, जो हेयर ड्रायर यूज़ होगा, ये सब कुछ रखने के लिए स्पेस। यहाँ का स्पेस इतना छोटा है कि हम लोग इसको नीचे तक नहीं लिया, क्योंकि ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो प्रॉपरली यूज़ हो सके, किसी का कोई तकलीफ ना हो जब ये चेयर में बैठेगा, वो जो राउंड करेगा, ये जो टर्न करेगा उसके पैर में ना लग जाए। इसको दिमाग में रखते हुए हम इसको क्या किया, फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर हैंग कर दिया। यहाँ पे दो तीन प्लग पॉइंट आ जाएगा जो हेयर ड्रायर के लिए काम पे आएगा। अब इसका अगर ऑपोजिट वॉल में हम आप लोग देख सकते हैं, इसके जो ऑपोजिट वाला वॉल है इसको हमने बहुत एक न्यूट कलर में छोड़ दिया। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा पेंट कर देंगे और एक अच्छा सा पेंटिंग लगा देंगे, जैसे ये जो एस्थेटिक्स है ये बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाए। और आप यहाँ का जो सीलिंग है, हम लोगों ने आपको बताया कि ये फ्लोर का हाइट इतना फर्म है कि हम लोग सीलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सीलिंग को ऐसे इन्हीं प्लेन छोड़ दिया कि जो हो बहुत अच्छा, और वो ये जो स्पेस है वो बहुत बड़ा दिखे। इसके लिए आप आते हैं हम इस वाला एरिया में, ये हो गया हम लोगों का नेल आर्ट सेक्शन। ये जो छोटा छोटा जो सेल बना हुआ है यहाँ पे नेल पॉलिश रहेगा, बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट के लिए स्पेस भी छोड़ा है कि वो लुक बहुत अच्छा दे। अब अगर आप ये वाला जो आर्च है, ये आर्च है दोनों हम लोगों का जो वेटिंग एरिया है और अंदर का जो एरिया है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ये डिस्प्ले एरिया के हिसाब से भी काम होगा, और ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको डायरेक्टली अंदर ना दिखे लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख जाए, ये एक बहुत जो अच्छा कम्बिनेशन होगा। ये ऐसा परफोरेशन करने में क्या होगा, एक दोनों के लिए एक बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि अंदर क्या हो रहा है, ये बाहर भी मतलब इधर से उधर भी देख सकते हैं और वेटिंग एरिया से भी इधर दिख जाए लेकिन पूरा ना दिखे, थोड़ा थोड़ा इसमें ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा। ये यहाँ पे हम थोड़ा डिस्प्ले कुछ सेलिंग प्रोडक्ट रखेंगे, कुछ डिस्प्ले कुछ प्लांटेशन प्लांट के लिए कुछ स्पेस छोड़ देंगे, जैसे ये बहुत अच्छा दिख जाए, इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको हम ग्रे लैमिनेट से कवर कर देंगे, अभी वो लैमिनेट आ गया है साइट पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा लैमिनेट ऑलरेडी आ गया है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हम ये ग्रे लैमिनेट से इसको कवर करेंगे, और यहाँ पे अब जो ब्लू और येलो वाला लैमिनेट दिख रहा है जो हम लोगों का शैम्पू स्टेशन में लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया यहाँ पे एक हम लोगों ने छोटा सा पार्टीशन वॉल क्रिएट किया है, लेकिन वो भी पूरा परफोरेशन के साथ। यहाँ पे छोटा छोटा सेल्फ लगेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं कि सेल्फ के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे वो जो कारपेंटर भैया है ऑलरेडी बीच छोड़ के रखा है, क्योंकि यहाँ पे सेल बन जाएगा। ये सेल एक मेनली इसका रीज़न ये है कि हेयर कटिंग सेक्शन से शैम्पू सेक्शन पूरा पूरा ना देखे, ये एक छोटा सा बैरियर भी होगा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी क्रिएट होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये देख पा रहे हैं कि ये बीम गया है, एक हम लोगों का मेन जो एक वास्तु के हिसाब से होता है ना, कि किसी भी जगह से अगर मेन हिस्से के ऊपर से अगर बीम जाए तो उसको हमेशा कवर करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ये एरिया बहुत छोटा सा एरिया है तो इसीलिए हम लोगों को इसका ये वाला हिस्सा का फॉल सीलिंग को थोड़ा सा डाउन कर दिया, कि ये ऐसा ना देखे, ये बहुत छोटा भी ना देखे
और बहुत बड़ा भी ना दिखे, तो ये जाएगा, हमने वैसे ही मैनेज किया। और आप ये भी नोटिस कर पा रहे, जितना ऊपर में जैसा इलेक्ट्रिकल का लाइन होगा, जितना आपका स्पीकर रहेगा, और जो या सीसीटीवी का जो कैमरा लगेगा, सब कुछ लाइन ऊपर वायर से जा रहा है। यहाँ पे हम छोटा छोटा सोपीस भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत प्लांटेशन रखेंगे या में, तो ग्रीन भी मेंटेन हो जाए इसका ये प्लांटेशन के थ्रू। मुझे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को, हर एक लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पेड़ लगाना चाहिए था, तो इस एरिया में जितना भी हम डाल सके, थोड़ा सा इस एरिया में और थोड़ा सा वो वाला हिस्सा में, हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्लांटेशन के लिए स्पेस छोड़ा है। तो आप आ जाते हैं, ये जो एरिया है ये हो गया हम लोग, आप लोगों का शैम्पू स्टेशन जो एकदम नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट वैसे ही पानी का स्पेस है, पानी के लिए बना हुआ है, तो इस एरिया में हम लोग शैम्पू स्टेशन बना रहे हैं। यहाँ पे दो शैम्पू स्टेशन बैठेगा, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैमिनेट ऑलरेडी लग गया है येलो कलर का, और ये वाला हिस्सा में ब्लू कलर का लैमिनेट लगेगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, यहाँ पे एक सेल बनेगा जहाँ पे भगवान का मूर्ति रहेगा पूजा के लिए, और बाकी जो एरिया है वो शैम्पू का जो बॉटल या डिस्प्ले के लिए काम होगा, जहाँ जो जो शैम्पू स्टेशन के टाइम में जितना सामान उनको लगेगा वो सब कुछ इस वाला एरिया में रहेगा। और आते हैं ये वाला वॉल में। पहले हमने सोचा था कि ये वाला वॉल को हम थोड़ा सा एट्रैक्टिव, मतलब थोड़ा सा ग्राफिकल लुक दे, तो इसीलिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा हम लोग पेंटिंग के बारे में सोचा था। लेकिन बाद में जाके हम लोगों का थोड़ा सा स्टोरेज इशू हुआ, क्लाइंट के साथ भी बात हुआ, तो क्लाइंट को ये चाहिए कि वहाँ पे कलर बार बन जाए जो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये कलर बार शैम्पू स्टेशन में बहुत काम आएगा वो कलर यूज़ करने के टाइम में। तो यहाँ पे कलर लेना इसके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसीलिए हम लोग बाद में यहाँ पे कलर बार बना दिया वो पेंटिंग को छोड़ के, और उसी के ऊपर ठीक एग्जैक्टली एसी हो जाएगा, जो एसी का पाइप हमने टॉयलेट के थ्रू पास कर देंगे। ये है हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जो कॉर्नर में ये टॉयलेट बन रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही न्यूट कलर में टॉयलेट बना हुआ है, जो बहुत छोटा सा एक टॉयलेट है, क्योंकि ये सैलून के लिए बहुत काम आएगा ये वाला टॉयलेट। एक ही टॉयलेट है ये पूरा सैलून के अंदर। और ये आ गया एक छोटा सा पैंट्री कम स्टोरेज एरिया, अभी भी काम चल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटा सा फॉल सीलिंग हुआ है। यहाँ पे बैठेगा उनका एक छोटा सा मिनी फ्रिज, और इसके ऊपर इसका स्टोरेज हो गया। इस साइड में भी बाद में स्टोरेज बनेगा। यहाँ पे जो एक ये जो किचन का एक सिंक रहेगा वो सिंक इधर रहेगा, और यहाँ की छोटा सा माइक्रोवेव रहेगा या एक इंडक्शन रहेगा जो कुकिंग वो खाना गर्म करने के लिए काम आएगा। एक छोटा सा वेंटिलेशन के लिए छोटा सा हम लोगों ने विंडो भी क्रिएट किया है, जो साइट में पहले नहीं था, ये विंडो हम लोगों ने बनाया है। और ये स्पेस को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने इसका स्लाइडिंग डोर किया है। आप देख सकते हैं ये जब हम स्लाइडिंग डोर का अगर बंद करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस बच रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे सेल बना दे, जो सेल को एक चावल को अच्छे से रोल करके रखने के लिए काम आएगा, या आप अगर कोई सोपीस या कुछ भी रख सकते हैं, तो ये वाला कॉर्नर बहुत अच्छा है। इस साइट का एक बहुत ख़ास स्टोरी है एक्चुअली। ये जब क्लाइंट ने मुझे कॉल किया था, क्लाइंट एक लेडी है जो मुझे जब पहले कॉल किया था शुरुआत के दिन में, तो मुझे कॉल करके ये बोला कि उनको एक छोटा सा सैलून का डिज़ाइन करना है, वो भी बहुत ही कम समय में। उनके पास बहुत कम टाइम था, 30 डेज़ के अंदर पूरा इंटीरियर कंप्लीट, डिज़ाइन कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ उसका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या ये पूरा जो प्रोसेस है पूरा उनको, हम लोगों को 30 डेज़ में उसको पूरा डिलीवर करके दे देना है, क्योंकि उनका इनॉग्रेशन है। तो इसका एक छोटा सा स्टोरी है, जो क्लाइंट ने जब मुझे पहली बार कॉल किया तो वो मुझे बोल रहे थे कि उसका सैलून के बारे में, तब वो मुझे कॉल करके बोला कि हमारा जो सैलून का लोकेशन है वो है एक्चुअली मोहिशबातन, जो सेक्टर 5 में है एक्चुअली, तो वो झील के बहुत पास है। तो हमने उसको सडनली ये पूछा कि वो बिल्डिंग क्या G+7 वाला बिल्डिंग है या G+4 वाला बिल्डिंग है,
तो वो मुझे सडनली ये बोला कि नहीं ये जी प्लस सेवन वाला एक बिल्डिंग है, तो वो उसके साथ वो मुझे बोला कि आपको कैसे पता चला कि ये जी प्लस सेवन बिल्डिंग है, तो मैंने उसको बताया कि ये जी प्लस जो सेवन बिल्डिंग है वो एक्चुअली मेरे एक सर ने बनाया है जिस टाइम में वो आर्किटेक्चरल पार्ट में मैंने उसका असिस्ट की थी वो प्रोजेक्ट में, तो तब उनको लगा कि तब उनको पता चला कि ये जो जी प्लस सेवन वाला प्रोजेक्ट है इसका आर्किटेक्चरल पार्ट भी हमने किया है, तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। तो इसके बाद आगे जाके उसका काम हम लोग कर रहे हैं, उसका इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो क्लाइंट है ये क्लाइंट बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। तो ये हो गया हम लोगों का एक इंटीरियर का साइड जो कमर्शियली है, बेसिकली आप लोग जो हर समय देखता है वो है रेजिडेंशियल साइट, लेकिन ये हो गया एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्रीमियम सैलून बनने वाला है। और अगर आप लोगों को आपका घर का डिज़ाइन करना है, अगर आपको घर का नक्शा बनाना है या घर का इंटीरियर करना है तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, या जो मेल आईडी है उस पे भी अगर आप लोग मेल कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया में कंसल्टेंसी करते हैं। और आप लोगों को थैंक यू कि आप लोग ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है साइट के रिगार्डिंग हो या इंटीरियर के रिगार्डिंग हो, अगर तो आप मुझे DM कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हम लोगों का जो टीम है वो आपको रिप्लाई करेगा ईमेल के थ्रू, या आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं थ्रू ईमेल या फ़ोन। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, तो हम लोग आगे भी जो जो वीडियो हम लोग डालने वाले हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं।